नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डील मास्टर मिशा बाजवा चौधरी और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस, जो जीता वही सिकंदर। हम आपको स्टार्टअप से मिलवाएंगे और उनसे समझेंगे कि उनका सपना क्या है, उनके लिए तरक्की का मायना क्या है, मुकाम क्या है, वो सब जाने उससे पहले आपको ये बताना और उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है जो इन स्टार्टअप्स को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सुपर चार्मिंग सुपर ब्रेन दीक्षा आहूजा से। अब आपको मिलवाती हूं सेल्फ मेड मैन, फन फुल ऑफ लाइफ मोहित गुलाटी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है और आगे भी करने वाली हैं। द अमेजिंग द ऑसम अंकिता वशिष्ठ। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूं उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग है, वेरी काम वेरी कंपोज्ड, नंदिनी मानसिंह का। और अब आ रहे हैं वो जिनका दिल कलाकार का है लेकिन दिमाग पक्का इन्वेस्टर वाला, मंदार जोशी फ्रॉम दुबई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज स्टार्टअप से मोहित? आई थिंक बहुत शानदार लाइनअप है स्टार्टअप्स का। हम तो हमेशा एज इन्वेस्टर्स सीखने आते हैं, तो स्टार्टअप से पहले उनकी उनकी कहानी सुनेंगे, उनके बिजनेस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसको हम अपनी तरह से बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, और उस तरह से हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। ऑल राइट दीक्षा, पैसे भर भर के आए हैं ना स्टार्टअप्स पे लुटाने के लिए? पैसे तो भर भर के हैं लेकिन और भी सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को लगती है, नेटवर्क्स, कनेक्शंस, वो सब हम उनको आज देने आए हैं। मैं तो हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ स्टार्टअप फाउंडर पे, ना कि ओनली बिजनेस प्लान पे। तो मैं तो पर्सनैलिटी देखूंगा, मैं एटीट्यूड देखूंगा और पैशन पे पैसे लगाऊंगा। बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनफाइनाइट सोचें तभी आप बिल्ड कर सकते हैं। Right. तो वो दैट्स वन चीज जो मैं किसी भी फाउंडर में बहुत ढूंढती हूँ। अगर आइडिया है, पावरफुल है, डिफरेंशिएटेड है, इनोवेटिव है, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है और उसमें ग्रोथ स्केल और उसमें इंडिया के मार्केट के लिए और इंडिया से बाहर के मार्केट के लिए ऑल्सो अगर उनका विजन है, आई वुड लव टू हेल्प देम। ऑलराइट, और अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जिनका मानना है कि स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन when you're born to stand out. Please welcome motivational speaker, business guru aur hamare horses stable ke apne startup guru Dr. Vivek Bindra, founder and CEO Bada Business. Har sadi mein koi ek aisa insaan aata hai jo apne jazbe se duniya ka rukh badal deta hai, ने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीशंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल। Are you really ready? धन्यवाद। ये केवल मेरा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए बल्कि ये पूरा प्लेटफॉर्म ही आज हमारे देश के सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जमाना तेजी से बदल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं और स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक सपनों के सौदागर और सपनों की उड़ान लेने वाले जो हमारे साथ स्टार्टअप्स जिनके सामने सपनों के सौदागर बैठे होंगे और यहाँ जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्टअप से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं जो अपने आइडिया के दम पर दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं ऐसा उन्हें लगता है। सबसे पहले हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे शारीरिक और दिमागी कई विकास होते हैं, बदलाव होते हैं। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन बदलावों को लेकर कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं भी जहन में होती हैं लेकिन हम खुलकर उन पर बात नहीं कर पाते, जिस वजह से हेल्प भी नहीं ले पाते हैं। हमारी जो पहली स्टार्टअप आ रही हैं वो
इसी समस्या का समाधान लाने की गारंटी दे रही हैं। तो आपको मिलवाती हूं एवेलिन इमैनुएल से। हाय, मेरा नाम एवेलिन इमैनुएल है और मैं माई एवा की फाउंडर एंड सीईओ हूं। माई एवा एक विमेन्स हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। इंडिया में 70% वुमेन को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन ज़रूर होती है। 20% ऑफ वुमेन, 1 in every 5 वुमेन को इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन होता है जहाँ पे उनको हेयर लॉस, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे सिम्टम्स एक ही कंडीशन में होते हैं और इस कंडीशन का नाम PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन 20% ऑफ द वुमेन को है इंडिया में। PCOS एक कंडीशन है जो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है, जो ज़्यादातर आजकल एक गायनेकोलॉजिस्ट और बर्थ कंट्रोल पिल्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन PCOS के लिए जैसे मैंने कहा इतने सारे सिम्टम्स हैं, तो आपको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होगी। और हम लोग एग्जैक्टली वो करते हैं, हम लाते हैं एक ब्यूटिफुली क्राफ्टेड PCOS प्रोग्राम प्लान जिसमें आपको ये पूरी टीम मिलती है ऑफ एक्सपर्ट्स, और हम लोग ये जो सोल्यूशन है वो 1 million लोगों को ले जाना चाहते हैं अगले 1 साल में। हमारा लार्जर गोल सिर्फ PCOS नहीं है, हम वो ऐप बनना चाहते हैं जिसे देखकर हर वुमेन को कोई भी हेल्थ या वेलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी मॉम हो, बहन हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम लोगों को टारगेट करना है कंडीशंस लाइक थायराइड, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये सारी कंडीशंस को हम लोग रीच करना चाहते हैं। आज के इंडियन वुमेन के पास एक ग्रोसरी ऐप है, शॉपिंग ऐप है, सारी ऐप्स है, लेकिन एक ऐप नहीं है जिनकी उनके उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस चीज़ को वो हमेशा बैक बर्नर में डालते हैं, वो है अपना खुद का हेल्थ, और वो ऐप माई एवा है। तो क्या आप माई एवा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है आज? एवेलिन, मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे हॉर्सेस को बताएं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। राइट नाउ आई एम लुकिंग एट अबाउट 2 crore टू रेज 2 crore एट अ 20% स्टेक। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपकी ऐप की वजह से कोई औरत ये जान सकती है कि इसको PCOS है? हमारे ऐप में ऐसा एक चीज़ हमने बनाया है जो है एक हेल्थ स्कोर कैलकुलेटर। तो वो हम अराउंड 45 क्वेश्चंस हर वुमेन को पूछते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका न्यूट्रिशन, आपका पीरियड साइकिल कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और हम वो डायग्नोसिस देते हैं क्या उनको PCOS है या नहीं। यही नहीं, हम डेटा के साथ डील करते हैं। तो हम होम कलेक्शन ऑफ सैंपल करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और वो कलेक्टेड सैंपल पे हम पूरा उनका हार्मोन हेल्थ बनाते हैं। वो हार्मोन हेल्थ बना के हम उनको बताते हैं कि ना ही PCOS, आपको शायद सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा हार्मोन हेल्थ की वजह से, तो वो भी हम उनको बताते हैं। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हो और एक वुमेन कंज्यूमर के लिए जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप सॉल्व कर रही हो। यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो कंज्यूमर है वो भी क्रिएटर बने। राइट। आप इसको कैसे स्केल करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे ऑन द B2C साइड एंड ऑल्सो ऑन द B2B साइड? मैं 100 या फिर 500 लोगों को स्ट्रीट पे नहीं डाल सकती कि आप जाके इसका सेल्स करो। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं गायनेकोलॉजी क्लिनिक चेन्स को टारगेट करूँगी तो एक ही शॉट में, एक ही कॉन्वर्जेशन के साथ पैन इंडिया लॉन्च कर पाऊँगी। सो लास्ट मंथ ही हमको इन प्रिंसिपल मिला है नोवा IVF और मदरहुड हॉस्पिटल्स, जो इंडिया के बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया लॉन्च करने के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, Cloud 9 है, बहुत सारे गायनेकोलॉजी क्लिनिक चेन्स हैं, तो वहाँ पर हम टाई अप करना चाहते हैं। एवरीन, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। ऑफकोर्स मैं स्पेस को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं सकूँगा क्योंकि मैं एक
मैं महिला नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे महिला मित्र। आई होप आपको मेरे पिच से कुछ तो पीसीएस के बारे में। नो एब्सोल्युटली, मैंने काफी समझा है, बट मैं नंबर्स का आदमी हूँ तो मैं आपको नंबर्स पे आपसे बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि आपके 620 सब्सक्रिप्शंस हैं, अगली स्लाइड पे आप कहते हैं कि आप हर सब्सक्रिप्शन से 2500 से 14,500 रुपए का रियलाइजेशन करना चाहती हैं, जो मुझे दिख रहा है नंबर्स के हिसाब से। प्योरली मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म और आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा। बहुत सारी महिलाएं आ रही है प्लेटफॉर्म पे, डाउनलोड कर रही है, फ्री वाला कॉन्टेंट यूज कर रही है, जब आप उनको कह रहे हैं कि पैसे दीजिए और वो भी 2500 दीजिए या 5000 या 10000 दीजिए, तो वो नहीं दे रही हैं, बहुत कम लोग दे रहे हैं वो, और जो दे भी रहे हैं वो भी 999 दे रहे हैं, 2500 नहीं दे रहे हैं। एज ए इन्वेस्टर मेरे को वो देखना जरूरी है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो हमने बहुत सारे पायलट चलाए कि प्राइसिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि वी डोंट हैव लाइक अ प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कि हम जो देख के प्राइसिंग कर सकते। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट सेलिंग भी करना पड़ता है कि यू नो यू डोंट ट्रस्ट योर मेडिकेशन, यू ट्राइड एवरीथिंग, धक्का खा के आप लोग आ गए, अभी इसको ट्रस्ट करो। दैट इज वाई वी हैड लॉन्च्ड द 999 प्लान। तो आपको दिखेगा 3 months के लिए हमने वो 999 वाला प्लान बेचते गए टू सी कि अगर ये लोग ट्रायल करके रिन्यू करेंगे। बट अब 1 महीने में उतना जितना आप दिखा सकते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाए हम लोग, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन। बट वी सॉ कि हमारे 3 months के जो है वो कन्वर्ट करते, वो रिन्यू कर रहे हैं अपना प्लान। सो हमने वो 1 month का बंद कर दिया। सो दैट इज़ वाई यू विल सी दैट डिफरेंस कि 999 के ज़्यादा सेल्स है। जब तक हमारे हॉर्सेज आपकी जो बातें हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं, एसेस करते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बिंद्रा आपके स्टार्टअप को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या विजन है? एब्सोल्युटली, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। एवलिन, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू। माय आवा, ये आपने एक बहुत बड़ी अच्छी, एक बहुत काम की प्रॉब्लम को आपने पकड़ा है, क्योंकि आज मेरा रोल एक स्टार्टअप गुरु का है। आई एम नॉट अलाउड टू सिट एज एन इन्वेस्टर देयर। मैं इतना एक्साइटेड था आपके मॉडल को देख के, आपको सीड फंड देने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर वहाँ नेगोशिएशन राउंड में बैठना चाहता, पर क्योंकि इस सीज़न में मेरा ये रोल है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, आपने एक अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट नीड को पकड़ा है, हर 5 में से 1 को जो ज़रूरत है, इसका मतलब लगभग 10 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़। दूसरा, मैंने देखा आपका MVP अभी तक स्ट्रॉन्ग है, ये देख के मुझे अच्छा लगा। 600 पैकेज आप बेच चुके हैं, 5.5 लाख का आपका ग्रॉस सेल्स रहा है, इसको बिल्ड करना है। कॉम्पिटिशन के थ्रेट को मैं जब समझ रहा था तो इसमें UV हेल्थ और वीरा हेल्थ और भी कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो PCOS पे काम कर रहे हैं, बट दैट्स ओके, कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस एक इंपॉर्टेंट एरिया, और कुछ सुझाव हैं B2B2C के थ्रू आपको अफिलिएट और रेफरल के थ्रू आपको एसेट लाइट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं फ्लाई लाइट मॉडल, वहां से आपको बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्टेंट मार्केटिंग से आपने शुरुआत करी, कॉन्टेंट मार्केटिंग आपको और बहुत काम आएगा, जहां से आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को पकड़ सकते हैं। मेरे लिए मैं देखना चाहूंगा आपका रेफरल एज KPI बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जितने कस्टमर्स ने आपकी सर्विस ली उसमें से अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डालूं और कितनों ने आपको रेफर वापस किया और कितनों ने वापस, तो रिटेंशन रेट, रेफरल रेट, ग्रोथ हैक में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि आप आगे हाई टिकट अपसेल भी करें, केवल 10,000 तक का प्रोडक्ट ना रखें, 75,000 से 1,00,000 तक के प्रोडक्ट के बारे में सोचें, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कैसे आएंगी। आपको प्रोडक्ट की डेप्थ के साथ प्रोडक्ट की विड्थ पे जाना पड़ेगा, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी या बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मैंने कुछ सुना आपसे, आप उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट वास्तव में अच्छा है, आई वॉन्ट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, डोंट लेट गो टू मच ऑफ इक्विटी। शायद मेरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा बात ये, मुझे नहीं पता आगे के स्टार्टअप्स में मैं कैसा महसूस करूंगा, आपके केस में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू अगेन, थैंक यू वेरी मच एवलिन, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर बिंद्रा तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और बहुत हैप्पी लग रहे हैं, और वो आज मतलब बैठ के सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टर होते तो शायद एवलिन का काम बन गया था, मगर आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं डॉक्टर बिंद्रा जी से उनका चेक ले सकता हूँ, उनके नाम पे कर दूंगा चेक। तो टोटल कंपनी की जर्नी में कितने पैसे रेज किए गए हैं? टोटल हमने अभी 46 लाख टोटली रेज किया है। So, आपके पास कितनी इक्विटी है अभी? मेरे पास द रेस्ट ऑफ इट, सो 7% जो है फर्स्ट इन्वेस्टर का, एंड अबाउट 0.99% ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज माइन एंड अनदर पर्सन फॉर द प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। एक एक करके जान लेते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डील, और आपका क्या बेस्ट ऑफर है फॉर हर, आप ही के साथ शुरू कर लेते हैं। मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ, और स्मार्ट कैपिटल के साथ इंटरेस्टेड हूँ। डेफिनेटली हमारे नेटवर्क से हम कुछ पैसे लगा सकते हैं, बट हम आपको उसके साथ, वी वॉन्ट टू गिव यू एक्सेस टू ऑलमोस्ट 10,000 वुमेन इन द कंट्री, राइट, हु कुड बी दैट 20% और हु कुड बी दैट 15,000 to 15 lakh फॉर यू, राइट। और ये सारी चीज़ें रेफरल पे चलती है, right. आज अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना हो या मेरे को जिम जाना हो, मैं अपने फ्रेंड को ही कॉल करके Absolutely. पूछती हूँ, और आपकी ऐप के डाउनलोड्स भी वैसे ही होंगे, राइट, तो वो हम एक चीज़ लाना चाहते हैं।
हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग पूरा अपना नेटवर्क और इनोवेशन नेटवर्क लेके आते हैं और अ लेयर ऑफ शेयर्ड सर्विसेज एज वेल. वी हेल्प यू विद हायरिंग, गेटिंग यू यू नो वुमन ऑन योर बोर्ड, गेटिंग यू एडवाइजर्स, योर अकाउंट्स, टैलेंट हायरिंग, एवरीथिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, राइट? तो एवरीथिंग दैट यू वुड स्पेंड मनी ऑन इज समथिंग व्हिच कम्स इन विद आवर कैपिटल, राइट? तो आप वो सेव कर रही हैं, राइट? ऐसा लग रहा है कि डील बन रही है यहाँ पर. मैं बस इनकी डील में हाथ धोना चाहता हूँ अपने. देखो, तो अगर आप कहें कि 25 लाख में आप 7% दे देंगे तो हम आ जाते हैं. मेरे साथ अंकिता, आप आओगे? यस. दीक्षा, आप आओगे? यस, हम लोग आएंगे. मैं भी हूँ. तो जैसे मोहित ने कहा, मैं भी को इन्वेस्ट करना चाहूँगा. मैं तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे निगोशिएट कीजिए, फिर मैं और मोहित शायद साथ में आ जाएंगे. मैं चाहूंगी कि आप में से जो भी अब एक ऑफर देना चाहे वो दे दे, ताकि फिर एवलिन इस पर डिसाइड करे कि वो किस तरफ जाना चाहेगी. हमारा जो ऑफर है विच इज 25 लाख फॉर 7%, तो अगर आप 14% डाइल्यूट करेंगे तो हम 50 डालेंगे. अगर आप 21% डाइल्यूट करेंगे हम 75 डालेंगे. अगर आप 28% डाइल्यूट करेंगे तो हम 1 करोड़ डाल देंगे. ओके. अभी आपके ऊपर है कि कितने पैसे आपको रेज करने हैं, उसके हिसाब से हम उतना चेक करेंगे. सी एवलिन, जो कैश है वो तो आपको कंपोनेंट में मिल रहा है, राइट? जितना आपको कैश मिल रहा है उतना सेम अमाउंट का हम आपको क्रेडिट्स, नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट टाइप्स उतना देंगे और उसका रियलाइजेशन बहुत हाई होगा, ठीक है? एंड देन यू आर गेटिंग ऑल ऑफ अस ऑन योर कैप टेबल्स. अंकिता हैज ग्लोबल कनेक्शंस, आई हैव सो मेनी कनेक्शंस हियर विद कॉर्पोरेट्स, मोहित मंदार के पास भी काफ़ी कनेक्ट्स है. तो आप उसको अपने माइंड में रख के थोड़ा सोचिए, राइट? बिकॉज आप हेल्थ केयर को ऐसे सोचिए कि आज अगर आप एक सिंगल पर्सन को सेल कर रही है, कल आप अगर किसी कॉर्पोरेट को सेल करेंगे जिसके पास 5,000 औरतें काम कर रही है, वो आपका काम बन जाएगा, right. तो वो पावर हमारा नेटवर्क ला सकता है. Right. चलिए ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ आपके दिमाग की कश्मकश. मुझे भी यकीन हो चुका है कि डॉक्टर बिंद्रा से सलाह तो आपको लेनी ही चाहिए. right. तो आप जाइए उनसे सलाह लीजिए बिफोर यू टेक एनी डिसीजन. सो एवलिन वापस आ गई हैं डॉक्टर बिंद्रा से मिलके. क्या कहा डॉक्टर बिंद्रा ने? सो उनका एडवाइस बहुत ही अच्छा था. आई थिंक मेरा उस पर कहना है दैट अगेन दी अदर यू नो लाइक यू ऑल हैड द सेम प्रॉब्लम कि आप एंजल इन्वेस्टर्स के वैल्यूएशन को हमको लेके आ रहे हैं. सो दैट्स द होल स्टोरी लाइन विथ एनी वन, राइट? सो मैं वैल्यूएशन वापस वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूशनल चेक रेज किया एट दैट टाइम where nobody had even thought about the idea. And that's the reason I raised that money at that valuation. Right? So I think right now with what we've achieved, with what we've raised, we've proved that there is a market, there is a potential to grow. You know, and that was the cost I paid, definitely. But is case mein what something that's very, very valuable to me is both the amount of funding that I get and the equity that I hold right now for not only my sake, बट फॉर द फ्यूचर एज वेल. अगर मैं मेरे पास ज़्यादा इक्विटी रहेगा तो मैं ज़्यादा राउंड्स भी रेस कर सकूँगी एंड जो मेरा लार्जर गोल है उसको भी अचीव कर सकूँगी. सो दिस फॉर मी द ऑफर इज़ बेसिकली गोइंग बैक टू रेजिंग द फर्स्ट राउंड, राइट? सो इफ माई काउंटर ऑफर अगैन इज़ आई एम रेडी टू डू अ 2 crore. आई हैव कम विद अ फेयर एंड ऑफ वैल्यूएशन आई बिलीव फॉर वट एवर वी अचीव्ड एंड द स्टोरी दैट वी हैव टू शो. So my counter offer is definitely 2 crore for 25%. And I would love for Ankita, I mean, I entered the show kind of having you in mind and Deeksha and Mohit to comment on that, please. हमने ऑफर किया था 1 crore पे 28%. इनका काउंटर ऑफर है 1 crore पे 12.5%. ठीक है, आपने डबल किया था. हाँ. वो वहीं पे अटकी है जहां से उन्होंने शुरुआत की. नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा उन्होंने बैठना था, थोड़ा सा अभी काफी जाना है. हाँ. यहाँ से लेके स्केल करने के लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत होगी टू हायर द राइट टैलेंट टू यू नो एज यू सेड गेट द मार्केटिंग फोक्स इन. डेफिनेटली वैल्यू व्हाट यू ऑल ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस यू ऑल ब्रिंग टू द टेबल,
बट यू नो जस्ट एडिंग लाइक अ मीगर 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 परसेंटेज वो ग्रोथ वो लेवल का जो मैं लेना चाहती हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. एवलिन मैं आपको एक लास्ट बात कह देता हूँ. आप एक 100 करोड़ की कंपनी के अगर 2% शेयर भी ओन करती हैं तो आप 2 करोड़ की मार्किन होती हैं. और अगर आप एक 100 रुपए की कंपनी के 100% शेयर भी ओन करते हैं तो आप 100 रुपए के ही मालिक होते हो. राइट. तो आपने ये देखना है कि अभी आपके पास ऑलरेडी 86% है. अगर आपको लगता है कि आपको विश्वास है कि हमारे कैपिटल पे आने से वो 86% की वर्थ 100 करोड़ के आसपास हो जाए या 1000 करोड़ के आसपास हो जाए तो फिर हमें लीजिए. अगर आपको यही लग इसी पे हम देखो हम सब्जी तो खरीद नहीं रहे जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि 1% 2% वाली बात. तो एवलिन लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट. आप हमारे हॉर्सेस का ऑफर लेना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? I think मेरा वैल्यूएशन फिर से वापस वही जाता है और आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ हो सकती है कि यू नो आप सेम वैल्यूएशन पे रेस कर रहे हो तो ग्रोथ कहाँ दिखाया आपने. आप बस यू नो एक साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद सेम वैल्यूएशन पे आप रेस कर रही हो. जिन्होंने हमारे आइडिया में बिलीव किया था पहली बार उन्होंने इन्वेस्ट किया एज इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स का बिजनेस होता है वैल्यूएशन ग्रो करके फिर पैसे बनाना और वो स्टोरी इज नॉट होल्डिंग गुड. सो इफ इट्स कमिंग एट द सेम वैल्यूएशन देन इट्स अ नो डील फॉर मी. मिस्टर बिंद्रा कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार उनके पास फिर से जाएंगे. एवलिन आई स्टिल वांट टू इंसिस्ट यू डोंट लीव दिस टेबल राइट नाउ. एक बार रीनेगोशिएट करने का कोशिश करिए. गेटिंग अंकिता दीक्षा मोहित इट विल बी रियली वैल्यूएबल फॉर यू. इट्स नॉट जस्ट द मनी इट्स नॉट जस्ट योर कैपिटल. ट्राई टू रीनेगोशिएट. एक काउंटर ऑफर और देकर के देखो हो सकता है बात बन जाए. आई थिंक एज इन्वेस्टर्स दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. दैट्स माय फाइनल सजेशन. सोच लीजिए एक ऑफर अगर आपके जहन में आपको लगता है कि हो सकती है तो मैं चाहूंगी. एवलिन क्या सोचा आपने? ओके हमारा काउंटर ऑफर तैयार है. ऑलराइट ओके जी. आज मैं एक अच्छे मूड में हूँ. ग्रेट. मैं डील करना चाहता हूँ कोई. एवलिन इट्स अ गुड डे फॉर यू. हमने आपको ऑफर किया था 1 करोड़ फॉर 28%. आपने हमें काउंटर ऑफर दिया है 1 करोड़ फॉर 12.5%. ना आपकी ना हमारी बीच रास्ते मिलते हैं. 1 करोड़ फॉर 20% फाइनल ऑफर. क्रेडिट्स हम सारे सब 25 25 25 25 25. Evelyn, you must. और मेरा 25 आपको पता है बढ़ सकता है आगे डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैट्रिसेस इंक्रीज. बाकी भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम दोनों के तो इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं तो हम आपको वो कह ही सकते हैं. इफ यू टेक दिस ऑफर यू कैन कम ऑन मुंबई एंजल्स एज ऑन अ फास्ट ट्रैक. ऑफर भी अब तो हॉर्सेस ने बढ़ा दिए. डील और नो डील? Yeah, no, I think. Okay, I came in really valuing Ankita definitely and Deeksha. And I'm going to hold your word that we will be able to move this forward with more funds coming in if we see that you know traction that we're hoping for. So I'll take the deal. Awesome. Wow. Yeah. Woo! Good. So there's a deal. आज फिलहाल बस इतना ही. कुछ और स्टार्टअप्स के साथ फिर होगी मुलाकात ऑन हॉर्सेस टेबल प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस. जो जीता वही सिकंदर. सोच तेरा बेकाबू है मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार हूबहू है.